सिंह राजपूत मामले के बीच बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन के तो मजे हो गए हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने कमा लिए हैं और तीन बड़ी फिल्में भी साइन कर ली हैं। हालांकि बहुत ही मेहनत करके कार्तिक आर्यन इस मुकाम तक पहुंचे हैं। नेपोटिज्म की पैदाइश तो कार्तिक आर्यन बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन ने प्रोडक्शन हाउस एरोस के साथ तीन फिल्मों की डील साइन की है, जिसके लिए उन्हें 75 करोड़ 75 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। मीडिया के एक वरिष्ठ पोर्टल के अनुसार सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि कार्तिक ने एरोस इंटरनेशनल के साथ तीन फिल्मों की डील को साइन किया है, जिसके लिए 75 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। पहले वे एक फिल्म के 6 से 8 करोड़ रुपए लेते थे, लेकिन अब वे बड़ी लीग के खिलाड़ी बन गए हैं और एक प्रोजेक्ट को करने के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपए ले रहे हैं। फिलहाल इन फिल्मों की डिटेल्स और डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन इस बैनर तले कार्तिक जरूर तीन फिल्में करेंगे, फिलहाल ये तो चीजें कन्फर्म हो गई हैं। कार्तिक की टीम ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है और एरोस इंटरनेशनल के प्रवक्ता ने इसे खारिज किया है। बता दें कि कार्तिक आर्यन के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनकी शूटिंग कोरोना के चलते रुकी हुई है। वे धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 में काम कर रहे हैं। इसके अलावा भूल भुलैया 2 और फिल्म अला वेकुंथा पुरम्बलो के रिमेक में भी रोहित धवन संग काम करने वाले हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स को देखकर लगता है कि कार्तिक आर्यन अगले 2 सालों तक बेहद बिजी रहने वाले हैं। वैसे बताते हैं कि लॉकडाउन के समय में कार्तिक ने सोशल मीडिया पर कई मस्ती भरे वीडियो शेयर किए थे, जिससे उनके फैंस को खूब खुशी मिली थी। आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।